Cello Baya. Dosa or Somosa or Nimbupani. Namaste. Who is preparing dosa? Dhanyavad everybody. Good job, thank you. Dosa, bautacha. Dhanyavad, phir milenge. दुनिया के जो जो बड़े एम्बेसडर हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश होते हैं। ये इटालियन एम्बेसडर है, वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मज़े का है सब कुछ इंडिया के अंदर, मुझे इतना मज़ा है ना। आपके सामने देख रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं कि कैसे बेहतरीन है। Cello Baya. The ambassador of Italy in India and Nepal, Vincenzo De Luca. What is one Hindi word that you use a lot throughout your daily life here in India? धन्यवाद धन्यवाद बात की है और कहा है कि के बारे में एक इम्प्रेशन बना, वो ये था कि ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड ही हैज़ अ फुल, जैसे कहते हैं ना, ही हैज़ अ ग्रेट पर्पसफुलनेस और हर चीज़ को ध्यान देते हैं, डिटेल से देखते हैं। अब ये चीज़ अगर आप देखें कि इंडिया के दौरे पे हैं और उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो मोस्ट लव लीडर इन द वर्ल्ड हैं और मोदी की तारीफ भी की है कि मोदी ने अपने टेन्योर में इंडिया को काफ़ी जो है तरक्की दी है। वी आर नाउ रीच द टॉप लेवल ऑफ आवर रिलेशन बिटवीन इटली एंड इंडिया। वी लॉन्च द सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लास्ट ईयर विद टू समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर मेलोनी हियर इन दिल्ली एंड ऑल्सो वी हैव साइन अ लॉट ऑफ अग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। वो भारत की जो कहानी है वो दुनिया को सुनाते रहे हैं और इंडिया की कहानी भी सुनाते रहे हैं एंड डॉक्टर अपना मोदी साहब की कहानी भी सुनाते रहे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर वसाइल से नवाजा है, हर वसाइल से नवाजा। इन जो लोगों की वजह से दिल खून के आंसू रोता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं भिखारी आया है भीख मांगने। इंडियन रेस्टोरेंट क्यों लिखा है? कहा बेटा हमारी बदकिस्मती है, अगर हम कहीं पे पाकिस्तान का नाम ले तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कहा इंडियन नाम लिखकर हमें इज्जत मिलती है और हमारा बिजनेस अच्छे से चलता है। मुस्लिम मुमालिक में भी नहीं है? मुस्लिम मुमालिक में तो ज्यादा इन्होंने गिरा दिया है, लेकिन मुस्लिम मुमालिक में तो और ज्यादा गिर गया। अभी तो आप हमें पसंद ही नहीं करते। ये मैं एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। कहा बेटा पाकिस्तान का नाम लेकर क्यों बेइज्जती लानी है? पिछले 50 साल की अगर महंगाई देखी जाए वो एक तरफ है और इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो पिछले 50 सालों से ज्यादा नजर आ रही है। ये बड़ा अफसोसनाक अमर है। तो आप भी हैरान होंगे कि पाकिस्तान, अगर आप इंसानी तरक्की की बात करें तो कई जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बहुत गरीब ममालिक हैं, उनसे भी पीछे चला गया है। और फिलहाल अफसोस की बात यह है कि सूरत हाल में कोई बहुत ज्यादा बेहतरी भी नजर नहीं आ रही। वैसे ही कहते रहते हैं मीडिया पे एक दूसरे का, भी किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मतलब दो एक एक हाथ के बजाय दो दो हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आजकल भारत में नया ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी फॉरेन एम्बेसडर भारत में आते हैं वो सब भारत के रिक्शा, ट्रेन, मेट्रो में घूमकर भारत को एक्सप्लोर करते हैं। इटली के भी एम्बेसडर भारत आकर ऑटो में घूमे और उन्होंने भारत के लोकल फूड्स को भी बहुत इंजॉय किया, जिससे ये मैसेज जाता है कि भारत कितना सिक्योर है और फॉरेनर्स को इंडिया एक्सप्लोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पाकिस्तानी ये देखकर जल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई एम्बेसडर थूकने भी नहीं आता है। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ सर, ये देखिएगा। दुनिया के जो जो बड़े एम्बेसडर हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश होते हैं। ये इटालियन एम्बेसडर है, वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मज़े का है सब कुछ इंडिया के अंदर, मुझे इतना मज़ा है ना। आपके सामने देख रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं कि कैसे बेहतरीन है। ये एक आपने शायद वीडियो देखी भी हो कि अजान हो रही है, एक काफिर जो है वो अजान का अदब कर रहा है और एक हमारा वज़ीर आज़म है कि वो अजान का अदब नहीं कर रहा। उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? सबसे बेहतर चीज़ तो समझने वाली है कि वो और ये कितना बेहतर फ़र्क है। अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा था, एक हिंदू भी जैसे आता है आके उसके ऊपर छतरी रखता है, बारिश हो रही थी, कितनी खूबसूरत बात है। मैं ना कमाल है, बहुत ज़्यादा कमाल है, आपने सोचा भी नहीं होगा।
इसके अलावा ये आप फलस्तीन के हालात देख लें, अगर हमारी फौज सिर्फ एक धमकी लगा देना तो इसराइल की जरूरत नहीं कि वो फलस्तीन पे हमला कर जाए। आपको पता है इंडिया के राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी कश्मीर के लिए घर में घुस के मारेंगे और कहा कि POK मतलब हमारा आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा कि हम वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 20 पाकिस्तानी इंडिया ने मरवा दिए यहाँ पर, मरवा दिए अभी मरवा दिए, घुस के घर में घुस के मारा है। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जहाज भी भेज दिया वापस ये कहते हुए कि डर लग रहा है इंडियन आर्मी आने वाली है, अभिनंदन को छोड़ दिया। ये कुछ भी नहीं कर सकते, खुदा की कसम, मैं कसम खुद अल्लाह ताला को हाजिर नाजर, रमजान अल मुबारक का महीना है, 27 का रोजा गुजर गया है, कसम उठा के कहता हूँ कि अगर इमरान खान जैसा लीडर अगर मिल जाए ना तो पाकिस्तान क्या आलमी दुनिया में किसी की जरूरत नहीं होगा कि कोई काफिर मुसलमान की तरफ मैली आंख देखे। काफिर नहीं देखता, ये हमें कहा जाता है काफिर देख रहा है, भाई हम तो मुसलमान मुसलमान को काट रहे हैं, मार रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं, मुसलमान मुसलमान को काट रहा है, लेकिन अगर ऐसा लीडर मिल जाए तो ये सब को सीधा कर लेगा, ये सब को सीधा कर लेगा। क्या लगता है सर, जिस तरह से आपने भी बोला है और हमारा माइंड बनाया गया कि काफिर हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, क्या हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए? भाई भाई अमन प्यार मोहब्बत का पैगाम दे के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, बेशक इंडिया के साथ साफ ज़ाहिर है मुसलमान है उधर, बेहतर बनाने चाहिए, हमारे मुसलमान भाई हैं बेहतर बनाने चाहिए। बाज़ एक हिंदू की मैंने नात सुनी है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है, हिंदू पंडित नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है, यह वीडियो वायरल भी हुई है और हमने देखा है। और ये आर्मी के इंडियन आर्मी के जो हैं जवान वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे हैं, पैगाम अच्छा दे दिया ना, हम क्या दे रहे हैं, हम तो हिंदू हिंदू काफर काफर करते रहते हैं। मैं ना छोटे बाजी इस बात को मैडम रहने दे तो दिल खून के आंसर होता है, दिल खून के आंसर होता है, बस इसको छोड़े दिल खून के आंसर होता है। क्यों रोता है, किस चीज के लिए रोता है? इसीलिए रोता है कि जो ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं ना करप्ट टोला और जहल लोग, इन जहल लोगों की वजह से दिल खून के आंसर होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं भिखारी आया है भीख मांगने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, इतने फूड का इतना इंतजाम किया जाता है, उसके लिए हर चीज में बेहतरीन करने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।